देवी दुर्गा के पांचवें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। इनकी चार भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय विराजमान है और दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाई तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल पुष्प है। माता का वाहन शेर है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती है, इसलिए इन्हें पदासना देवी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली देवी है स्कंद माता। वही मान्यता ये भी है कि इनकी पूजा करने से संतान योग की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पंचम दिवस की पूजा विधि इस प्रकार है। देवी स्कंद माता की पूजा करने के लिए पूजा स्थल पर माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें, फिर उन्हें फल और फूल चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीपक जलाएं। मान्यता है कि पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से मां की आरती उतारें। स्कंद माता को सफेद रंग पसंद है, इसलिए आप सफेद रंग के कपड़े पहनकर मां को केले का भोग लगाएं। मां स्कंद माता का मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।